नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रेल है तो देश है की एक और नई वीडियो में। अभी जैसा कि वे आपने हाल ही में सुबह एक नई सूचना सुनी होगी कि कानपुर क्षेत्र में एक जो गाड़ी है, जो एक पैसेंजर ट्रेन है, उसका जो है वो काफी अच्छा खासा डीरेलमेंट देखने को मिला, यानी कि काफी बड़ी दुर्घटना हो गई और ये काफी दुखद विषय है। तो यहाँ पर इस विषय में यहाँ पर जो है वो कैजुअलिटीज तो देखने में नहीं मिली है, यानी कि जो यात्री है और इसके साथ में जो जान माल का जो हानि है वो यहाँ पर देखने में अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और ये काफी अच्छी बात है। और उसके साथ में जो कानपुर झांसी रेलखंड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब उसको देखते हुए बहुत सी जो ट्रेनें हैं उनको रद्द करना पड़ रहा है, क्योंकि झांसी से कई जो ट्रेनें हैं वो ग्वालियर होकर और इटावा भिंड होकर के जो है वो कानपुर भेजा जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ वो कौन कौन सी जो ट्रेन है वो यहाँ पर होने वाली हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ड्यू टू डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन नंबर 19168 यहाँ पर होने वाली है, जो कि अहमदाबाद से वाराणसी के बीच में चलती है। साबरमती एक्सप्रेस गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीच में इसका जो है वो डिरेलमेंट हो गया था रात में 2:29 में। अब इसके साथ में जो कैंसिल हुई है गाड़ियाँ वो कुछ ग्वालियर इटावा सेक्शन की हुई हैं, जैसे मेमू हुई है 01891, 01892, 01887, 01888, 01889, 01890, जो कि रहने वाली है ग्वालियर इटावा मेमू ग्वालियर, और दोस्तों इटावा ग्वालियर मेमू, ग्वालियर इटावा पैसेंजर और इटावा ग्वालियर पैसेंजर, ग्वालियर भिंड पैसेंजर और भिंड ग्वालियर पैसेंजर जो है वो 18 तारीख को यानी कि कल के दिन के लिए रद्द कर दी गई है। और इसके साथ में जो है झांसी कानपुर सेक्शन में भी कुछ मेमू ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया, जिसमें झांसी कानपुर मेमू और इसके साथ में जो है लखनऊ से लेकर झांसी के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, और लखनऊ जंक्शन के बीच में और झांसी के बीच में यहाँ पर जो है कुछ गाड़ियों को भी रद्द कर दिया गया है। तो ये हिसाब से जो है ये गाड़ी 18 यानी कि कल जो आने वाली तारीख है 18, उसमें ये गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से रद्द मानी जाएगी। गाड़ियों को रद्द करने का मेन विषय ये बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में जो एक और सूचना आई है कि जैसे ही झांसी से कानपुर वाला जो अभी सेक्शन है भीमसेन वाला, वहाँ पर गाड़ियों का जो आवाजाही है वो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो उसको देखते हुए वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनका मार्ग परिवर्तन किया गया है और कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है। तो उसके हिसाब से जो गाड़ी लंबे रूटों की है उनको झांसी से कानपुर सेक्शन में भेजने के लिए अब उनको जो है वो झांसी उरई सेक्शन से नहीं निकाला जा रहा है, उनको झांसी से ग्वालियर और भिंड और इटावा के रास्ते जो है वो सीधा जो है वो कानपुर के लिए निकाला जा रहा है। तो उस विषय में सिंगल लाइन होने के कारण ग्वालियर और इटावा के बीच में उसको मैनेज करने के लिए यहाँ की जो पैसेंजर है और जो मेमू ट्रेन है उनको यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ये जो है वो कल के लिए गाड़ियाँ रद्द रहने वाली हैं, ये जानकारी आप सभी लोगों को भेज दीजिए, जिससे जो है आपके जाने वाले और आपके जो आसपास के लोग जो हैं इस जानकारी को अच्छी तरीके से समझ लें, और कल जिसको कहीं आना जाना हो तो वो यहाँ पर बस से अपना आना जाना कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।